लापता शंख की कहानी। यह एक अद्भुत कहानी है जिसने दिखाया कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा। विष्णु के पास एक शंख होने के बारे में जाना जाता था, जिसे वो हर समय अपने पास रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शंख गायब था और कहीं नहीं मिला। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शंख खोजने में अपनी सारी शक्तियां लगा दी। जैसे ही शंख की खोज चल रही थी, भगवान विष्णु को अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। उन्होंने उस दिशा में उसकी खोज शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि आवाज़ कैलाश पर्वत से ही आ रही थी। जैसे ही वो पहाड़ पर पहुँचे, उसे पता चला कि शंख भगवान गणेश ने ले लिया था और वह उसे फूंकने में व्यस्त था। यह जानकर कि भगवान गणेश आसानी से नहीं मानेंगे, उन्होंने शिव को खोजा और उनसे शंख वापस करने के लिए गणेश से अनुरोध करने को कहा। शिव ने कहा कि उनके पास भी गणेश की इच्छाओं की कोई शक्ति नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उनके लिए पूजा करना है। तो भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री की स्थापना की और मन से गणेश की पूजा की। यह देखकर गणेश बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु का शंख उन्हें वापस लौटा दिया। कहानी काफ़ी दिलचस्प तरीके से भगवान गणेश और उनकी हरकतों के मज़ेदार पक्ष को उजागर करती है। इसके अलावा ये हमें विनम्रता के बारे में सिखाती है कि कैसे भगवान विष्णु के रूप में महान हैं, गणेश की पूजा करने में संकोच नहीं करते। हमारी दूसरी कहानी है शिव के असफल युद्ध की। भगवान शिव और भगवान गणेश की एक साथ कई कहानियां हैं। हालांकि ये कहानी पिता और पुत्र के रिश्ते से परे है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब हाथी का सिर प्राप्त किया गया और गणेश को वापस जीवन में लाया गया, तो शिव ने पार्वती की इच्छा पर ध्यान दिया और यह नियम बना दिया कि कोई भी नया प्रयास शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि शिव भूल गए कि नियम उन पर भी लागू होता है। ऐसे ही एक अवसर पर शिव राक्षसों के साथ युद्ध के लिए निकल रहे थे और इसके लिए अपनी पूरी सेना को साथ लेकर आगे बढ़े। लेकिन युद्ध के लिए निकलने की हड़बड़ी में वो पहले गणेश जी की पूजा करना भूल गए। इससे युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। युद्ध के स्थान के रास्ते में युद्ध गाड़ी का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया और प्रगति रुक गई। यह शिव को देवीय हस्तक्षेप जैसा लगा और उन्हें अचानक याद आया कि युद्ध के लिए जाने से पहले वे गणेश की पूजा करना पूरी तरह से भूल गए थे। अपने सभी सैनिकों को रोकते हुए शिव पूजा की स्थापना करने के लिए आगे बढ़े और गणेश की पूजा करने की रस्में पूरी की। गणेश के आशीर्वाद से शिव आगे बढ़े और वे और उनकी सेना राक्षसों को पूरी तरह से हराने में सफल रहे। इस कहानी से हमें यही सीख लेना चाहिए कि आप चाहे कोई भी हो, एक बार नियम बना लेने के बाद ये सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी तीसरी कहानी, जो है गणेश की बुद्धि के बारे में। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता कहा जाता है और ये कहानी हमें बताती है कि ऐसा क्यों है। गणेश के एक भाई थे जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता था। दोनों की आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन अन्य सभी भाई बहनों की तरह उनके बीच भी बहस और झगड़े के पल आते थे।
ऐसे ही एक दिन गणेश और कार्तिकेय दोनों को जंगल में एक अनोखा फल मिला और उसे एक साथ पकड़ लिया। उन्होंने इसे एक दूसरे के साथ साझा करने से इनकार कर दिया और अपने लिए फल का दावा करने लगे। जब वे कैलाश पर्वत पहुँचे और शिव और पार्वती के समक्ष ये दुर्दशा प्रस्तुत की, तो शिव ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने फल को पहचान लिया और कहा कि यह फल अमरता और व्यापक ज्ञान प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जब इसे सही धारक द्वारा खाया जाता है। ये चुनने के लिए कि इसे कौन प्राप्त करता है, शिव ने एक चुनौती पेश की। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को 3 बार अपनी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए कहा। जो कोई भी पहले ऐसा करेगा और कैलाश पर्वत पर लौटेगा, वही फल का असली हकदार होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने पालतू मोर पर सवार हो गए और तेजी से उड़ते हुए पृथ्वी के 3 चक्कर पूरे किए। कार्तिकेय की तुलना में गणेश थोड़े गतिले थे और उनका पालतू चूहा था जो उड़ नहीं सकता था। शिव के प्रस्ताव को ठीक से सुनकर गणेश शिव और पार्वती के चारों ओर घूमने लगे और उनके चारों ओर 3 घेरे पूरे किए। शिव द्वारा पूछे जाने पर गणेश ने उत्तर दिया कि शिव ने उन्हें अपनी दुनिया को दरकिनार करने के लिए कहा था और गणेश जी के लिए उनके माता पिता दुनिया से बढ़कर थे, वे संपूर्ण ब्रह्मांड थे। शिव गणेश की बुद्धि से प्रभावित हुए और उन्हें फल के असली मालिक के रूप में देखा। यह कहानी ना केवल इस बात का एक बड़ा उदाहरण देती है कि कैसे अपने ज्ञान का उपयोग करके किसी स्थिति को स्मार्ट तरीके से हल करने में मदद मिल सकती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आपके माता पिता को वो सम्मान और प्यार दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। तो बच्चों, आप लोगों को हमारी ये 3 कहानियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री गणेश।